ये भाषण जी भी झूठे लोग हैं, ये देश को ठगने का काम कर रहे हैं, देश को एक तरफ से बेचने का काम कर रहे हैं। महंगाई की बात कर रहे हैं, कांग्रेस सड़कों पर महंगाई के लिए, तेजस्वी यादव बिहार में सड़कों पर महंगाई के लिए, अखिलेश यादव महंगाई के लिए सड़क पर क्यों नहीं उतरते हैं? अभी तक तो महंगाई के मुद्दे पर आपकी पार्टी सड़कों पर नहीं हमें दिखी, एक बार भी कन्नौज में तो दिखी एक दो बार, लेकिन लखनऊ में तो इतना प्रदर्शन बड़ा नहीं किया आप लोगों ने। इस पार्टी के वर्तमान माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हो कि भूसा भर दूंगा, ये बुलडोजर चलवा दूंगा, इससे ज्यादा गुंडागर्दी कहीं नहीं हो सकती। जनता का रुपए का बंदर बांट कर रहे हैं यहाँ के माननीय विधायक माननीय सांसद, यहाँ के सदस्यों को संवैधानिक अधिकार खत्म। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है डी 12 न्यूज पर। आज कन्नौज में मौजूद हमारे साथ कन्नौज से जिला पंचायत सदस्य श्याम सिंह यादव जी हैं। ये कई आरोप आपकी पार्टी पे लगते हैं कि आप लोग जनता के बीच में नहीं दिखते हैं, विपक्ष के मुद्दे नहीं उठाते, सड़क पे नहीं उतरते हैं, जो मुलायम सिंह यादव सड़क पे दिखते थे, इस पर आपका क्या कहना है? सत्ता पक्ष के लोग भाषण जी भी हैं, कुछ भी काम नहीं करते हैं, बरगला के केवल वोट लेने का काम करते हैं, इसलिए उन लोगों की बात का कोई औचित्य नहीं। देख लो कि धुआंधार महंगाई, लेकिन वहाँ उनके वित्त मंत्री और बहुत सारे मंत्री कहते हैं कि वो तो पहले से बहुत कम है, 7% है, पिछली बार 14% थी। आप बताइए या जनता से पूछिए कि महंगाई कम है? कमर तोड़ महंगाई, गरीब खाने को परेशान है, मजदूर जीने को परेशान है, ये लोग कह रहे महंगाई नहीं है। ये भाषण जी भी झूठे लोग हैं, ये देश को ठगने का काम कर रहे हैं, देश को एक तरफ से बेचने का काम कर रहे हैं। इसका समय आने पर जनता जवाब देगी। कब तक झूठ बोलोगे, कब तक जनता गुमराह करोगे? आप महंगाई की बात कर रहे हैं, कांग्रेस सड़कों पर महंगाई के लिए, तेजस्वी यादव बिहार में सड़कों पर महंगाई के लिए, अखिलेश यादव महंगाई के लिए सड़क पर क्यों नहीं उतरते हैं? सभी समाजवादी पार्टी के लोग, एक सेकंड, सभी समाजवादी पार्टी के लोग संघर्षरत हैं, और जो है सत्तारूढ़ दल सभी आंदोलनों को दबाने की कोशिश कर रही है, असंवैधानिक कार्य करने पर आमादा है। अभी तक तो महंगाई के मुद्दे पर आपकी पार्टी सड़कों पर नहीं हमें दिखी, एक बार भी कन्नौज में तो दिखी एक दो बार, लेकिन लखनऊ में तो इतना प्रदर्शन बड़ा नहीं किया आप लोगों ने। लेकिन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने लगातार उस पर कहा है, महंगाई पे हम लोग इस टाइम तो प्रदेश की सरकार को कुछ समय दे रहे थे। जो महंगाई है, समाजवादी पार्टी हर मामले पे संघर्ष करेगी और कर रही है। 22 का चुनाव आप हार गए हैं, 24 के चुनाव की रणनीति क्या है? जनता जवाब देगी। कोई प्रत्याशी कन्नौज लोकसभा से भी तय हुआ है कि होना बाकी है? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वाधिकार है। और कुछ कहना चाहेंगे हमारे चैनल पे? अब चैनल पे झूठे लोगों की सरकार देख लो, जनता की महंगाई, जनता की कमर तोड़, गरीबों का जीना मुश्किल, ये देखो आपके चैनलों को सही कहना चाहिए ना। मीडिया तो पूरी सत्ता बिल्कुल की ताली बजाती है, बिल्कुल सही। मीडिया केवल देश का अगर नुकसान हो रहा है तो केवल चौथी आंख के रूप में मीडिया कर रही है। मीडिया शासन सत्ता के लोगों को वही मतलब पूरे जगह जगह पूरे सुबह शाम तक डिबेट पे वही मुद्दे होंगे, केवल सत्ता पक्ष के चार गुर्गे बैठे होंगे किसी भी रूप में हो, और पूरे के पूरे देश की जनता गुमराह करने का काम कर रहे हैं। वो मीडिया होगी, दिल्ली की मीडिया होगी, हम लोग ऐसे नहीं, हम लोग कन्नौज के लोकल लोग हैं, जनता के मुद्दे उठाते हैं। आप एक एक सवाल का जवाब दीजिएगा। आप लोग सरकार को कह रही है, सरकार कह रही है कि हमारी सरकार में सबसे ज़्यादा गुंडागर्दी कम है, जनता भी तो कहती है कि गुंडागर्दी कम हुई, उस पर क्या कहना है? आप बताइए, गुंडागर्दी कम हुई? रिपोर्ट न लिखी जाए भले आदमी की कहीं भी, इसको गुंडागर्दी कम कहेंगे आप? कभी समाजवादियों ने गुंडागर्दी नहीं की, केवल विकास का कार्य किया है। इन्हें अगर टक्कर लेनी और बराबरी करनी है तो विकास पे करें। आप यहाँ कन्नौज के हैं, आप बता दें कन्नौज में आज इस समाज का जो कार्यक्रम है उसमें बता दें, कहीं कुछ किया हो, एक ईंट लगा दी हो? चुनाव में माननीय सांसद जी हो चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी हो, शर्म की बात, हमारी मंडी को सेंट का सैंपलिंग की दुकानें बना दी, जहाँ 50 पैकेट आलू नहीं उतर सकता और 12 किसान नहीं बैठ सकता। नायक समाज को ज़्यादा बेनिफिट देने वाली परफ्यूम पार्क बनफोर्स जगह में कर दी, और ओनली हल्की बाउंड्री करके छोड़ दिया गया। चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा गुंडागर्दी थी, आप भी मानते हैं मुद्दा सबसे ज़्यादा चुनाव में चला था, इस पर आपको नुकसान हुआ था? वो भाषण जी भी हैं, उन्होंने लोगों को समझा लिया कि ये गुंडागर्दी करेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं। आज देखो सबसे ज़्यादा गुंडागर्दी आज है, लाइन आर्डर का बुरा हाल है। जिस पार्टी के वर्तमान माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हो कि भूसा भर दूंगा,
ये बुलडोजर चलवा दूंगा, इससे ज़्यादा गुंडागर्दी कहीं नहीं हो सकती। कन्नौज के जो विकास कार्य रुके हुए हैं, आप लोग कब से सड़कों पर जो शुरू हो पाए? मैं लगातार, मैं जिला पंचायत मेंबर हूँ, जिला पंचायत का रुपया किसान जनता का रुपये का बंदर बांट कर रहे हैं यहाँ के माननीय विधायक माननीय सांसद। यहाँ के सदस्यों को संवैधानिक अधिकार खत्म, ये विकास नहीं करते, लूट का काम करना जानते हैं और लूट का काम कर रहे हैं। आखिरी सवाल, 2024 की कैसी तैयारी? हम लोगों की पूरी तैयारी है, जनता के साथ हैं, जनता के बीच हैं, जनता का फैसला मानेंगे, हम लोग चुनाव जीतेंगे। धन्यवाद हमसे बात करने। ये थे हमारे साथ श्याम सिंह यादव जी, कैमरा मैन अचल राजपूत के साथ सौरभ सप्ताह कन्नौज।